हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिसिन मेडिसिन। आज हम पढ़ेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स का पार्ट टू, जिसमें आज हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ अवर डिस्कशन विथ क्लास वन ड्रग, दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर। ओके, अब क्लास वन ड्रग है, क्लास वन ड्रग फर्दर तीन क्लास में डिवाइड होती है, क्लास वन ए, क्लास वन बी एंड क्लास वन सी। ठीक है, अब ये सारे जो ड्रग्स होते हैं क्लास वन बी, क्लास वन सी और क्लास वन सी में आते हैं। अब सबके माइंड में क्वेश्चन होता है कि इनको याद कैसे करें, इनको याद करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। जैसे कि पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो कैसे होते थे, ए टाइप, ए कैटेगरी के लोग, ए मतलब जो ऊंचे लोग होते हैं वो। ठीक है, सो अभी ड्रग के नाम देखो, क्यू क्वीन, क्विनिडिन मीन्स क्वीन, क्वीन है रानी। ठीक है, सो क्विनिडिन इज क्लास वन ए ड्रग। प्रोकेनामाइड में पी आर आया, पी आर मीन्स प्रिंस, राजा। ठीक है, तो वो ये दोनों क्वीन प्रिंस के किस टाइप के लोग है, क्लास वन ए कैटेगरी के लोग है। ठीक है, अब क्लास पहले के जमाने वन बी मीन्स बी कैटेगरी के लोग कौन कौन से होते थे, जो राजा रानी की सेवा करते थे। सेवा में क्या क्या करते थे, लाइक लिग्नोकेन, लिग्नोकेन मीन्स कोई लैग दबाता था। ठीक है, फैनिटॉन मीन्स फैन, कोई ऐसे फैन चलाता था। ठीक है, एंड अदर बहुत सारे वो काम करते थे। तो ये सारे लोग बी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब बाकी के जो ड्रग्स बचे जो क्लास वन ए और क्लास वन बी में नहीं आते, वो सारे ड्रग किसमें इंक्लूड होंगे, क्लास वन सी में। ठीक है, सो अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्लास वन ए के ड्रग्स से। अब क्लास वन ए का ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। मैंने आपको मेरे पार्ट वन वाले वीडियो में एक्शन पोटेंशियल समझाया था, सो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट फेज जीरो में सोडियम चैनल अंदर आ रहा था। ठीक है, फेज जीरो में क्या होता है, सोडियम बाहर से अंदर आ रहा था। अब हमको, हमने जब सोडियम को ब्लॉक किया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका ये एक्शन पोटेंशियल, ये जो स्लोप था वो रिड्यूस हो गया, ये स्लोप क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब इसमें जो क्लास वन ए के जो ड्रग्स है, इसमें पहले हम रानी के बारे में पढ़ेंगे, क्वीन, क्विनिडिन। ठीक है, सो क्विनिडिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट। क्विनिडिन हमको हमारी रानी खान से मिलती है, सिंकोना की बार्क से। ठीक है, और इट इज अ डेक्स्ट्रो आइसोमर, इट इज अ डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ क्विनिन, ये क्विनिन की डेक्स्ट्रो आइसोमर होते हैं। ठीक है, यह हम इनको कौन कौन से रूट से देख सकते हैं, तो हम इसको ओरल रूट से भी दे सकते हैं, आईवी रूट से भी दे सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर रूट से भी हम इसको दे सकते हैं। अब जो क्लास वन ए के ड्रग्स होते हैं, ये क्या करेंगे, ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। और मैंने आपको बताया था पार्ट वन में कि कोई भी ड्रग जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करे, वो ड्रग क्या कॉज करेगा, तो लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया, दैट इज टॉर्साइडिस डी पॉइंटस। ओके, इसका मैकेनिज्म भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो नाउ वी सी द साइड इफेक्ट्स ऑफ क्विनिडिन। ओके, क्विनिडिन के साइड इफेक्ट्स क्या है, सो ये हमको सिंकोना बार्क में से मिलती है, सो इट कॉसेस सिंकोनिज्म। अब सिंकोनिज्म मींस क्या, सिंकोनिज्म मींस इट कॉसेस न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी में इट कॉसेस हियरिंग लॉस। ओके, इट कॉसेस हियरिंग लॉस एंड इट ऑल्सो कॉसेस टैकी कार्डिया। ये क्या कॉज करेगा, टैकीकार्डिया। अब ये टैकीकार्डिया कॉज करेगा, तो हम जब भी क्विनिडिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, तब हम उसके साथ वी ऑलवेज कंबाइन विद द एवी नॉट ब्लॉकर्स, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स के साथ हम इसको हमेशा देंगे। ठीक है, इट ऑल्सो कॉसिस हाइपोग्लाइसीमिया। अभी हाइपोग्लाइसीमिया कैसे करेगा सर, तो बाय इंक्रीजिंग द इंसुलिन रिलीज। ये क्या करता है, इंसुलिन का रिलीज इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। एंड इट ऑल्सो कॉजेस द डायरिया। डायरिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिडिन। ऑल्सो रिमेंबर इट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिडिन, तो दैट इज डायरिया। एंड इट ऑल्सो कॉजेस हाइपोटेंशन।
ये हाइपोटेंशन भी कॉज करेगा। हाइपोटेंशन कैसे कॉज करेगा? बाय ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर्स, या अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके हाइपोटेंशन भी कॉज करेगा। ठीक है, तो ये था हमारी रानी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? राजा के बारे में। सो अब हमारा राजा कैसा है? राजा को हम यूज करेंगे इन द डिजीज ऑफ वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। प्रोकेनामाइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एंड इट इज ओनली गिवन बाय आईवी रूट। इसको हम सिर्फ और सिर्फ आईवी रूट से ही दे सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? सो प्रोकेनामाइड पी आया पी, सो इट इज अ शिप ड्रग। ओके, शिप ड्रग, शिप ड्रग क्या करते थे? सो इट कॉसिस एसएलई, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, एंड इट आल्सो कॉसिस ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ये एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस करेगा बाय डिप्रेसिंग बोन मैरो। बोन मैरो को डिप्रेस करके ये क्या करेगा? एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस कॉज करेगा। ओके, अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, मान लो कोई पेशेंट है जिसको क्लास वन ड्रग से टॉक्सिसिटी हो गई। ओके, क्लास वन ड्रग से टॉक्सिसिटी हो गई, तब उसको हम कौन सा ड्रग देंगे? ओके, तो मेरी हमेशा एक बात याद रखना कि जिस क्लास से टॉक्सिसिटी होती है उसी क्लास, मतलब हम जिसको ब्लॉक करते हैं वही उसको बचाता है। क्लास वन में हम क्या करते थे? सोडियम चैनल को ब्लॉक करते थे। सो अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो उसको कौन बचाएगा? सो दैट इज सोडियम लैक्टेट, हम सोडियम लैक्टेट का सॉल्ट देंगे। सिमिलरली जब भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की टॉक्सिसिटी होती थी तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से टॉक्सिसिटी होती थी तो उसको बचाता कौन था? कैल्शियम ग्लूकोनेट, हम उसका सॉल्ट देके उसको बचाते थे। मतलब जिससे मारने का उसी से ही बचाने का। ओके, सो रिमेंबर इट। नाउ द अवर थर्ड ड्रग इज क्लास वन ए, क्लास वन ए की थर्ड ड्रग दैट इज डाइसोपायरामाइड। डाइसोपायरामाइड क्या है? ये एक एट्रोपिन डेरिवेटिव है, एट्रोपिन डेरिवेटिव। ये कैसी है? एट्रोपिन डेरिवेटिव। अब एट्रोपिन डेरिवेटिव है तो इसके साइड इफेक्ट्स भी कैसे होंगे? एट्रोपिन जैसे, तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? जो एट्रोपिन्स के होंगे लाइक ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन। ओके, और इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लोकोमा। ये ग्लोकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्यों? बिकॉज इट कॉसेस मिट्रियासिस। नाउ वी स्टडी अवर नेक्स्ट क्लास दैट इज क्लास 1B एंटी एरिथमिक ड्रग। सो क्लास 1B में फर्स्ट ड्रग हम देखेंगे दैट इज लिग्नोकेन। लिग्नोकेन क्या है? इट इज अ एनास्थेटिक, लोकल एनास्थेटिक एजेंट है। ओके, अब अब हम इस ड्रग को कौन से रूट से देते? आईवी रूट से। ठीक है, क्यों हम इसको ओरल रूट से नहीं देते? बिकॉज दिस लिग्नोकेन हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इस ड्रग का कैसा होता है मेटाबॉलिज्म? हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सो अब तीन ड्रग को याद रखना जिसका सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, वो ड्रग को हम याद करते हैं निमोनिक से एलपीजी। एलपीजी गैस होती है ना, वो लिग्नोकेन, सेकेंड इज प्रोपेनोलॉल एंड जी फॉर ग्लिसराइड ट्राई नाइट्रेट। ओके, इससे हम याद कर सकते हैं ड्रग्स हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, अब ये जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन कहाँ यूज होता है? तो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस वेंट्रिकुलर अरेथमियास। जब डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी से जो वेंट्रिकुलर अरेथमिया होते हैं उसमें लिग्नोकेन इज ड्रग ऑफ चॉइस। इन इट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन वेंट्रिकुलर अरेथमिया। ओके, एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन वेंट्रिकुलर अरेथमियास। ओके, अब फेनिटोइन, फेनिटोइन का क्या यूज है? सो फेनिटोइन इज अ ऑल्टरनेटिव टू लिग्नोकेन।
इट इज अ ऑल्टरनेटिव टू लिग्नोकेन। ये लिग्नोकेन के ऑल्टरनेटिव में हम इसको यूज करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नाउ अवर थर्ड ड्रग इज मैक्सिलिटिन। मैक्सिलिटिन का क्या है? तो इट इज अ ऑरल प्रोड्रग। इट इज अ ऑरल प्रोड्रग। किसकी प्रोड्रग है? ऑफ लिग्नोकेन। इट इज अ ऑरल प्रोड्रग ऑफ लिग्नोकेन। नाउ इट इज ऑल्सो यूज इन न्यूरोपैथिक पेन। इसको हम कहाँ यूज करेंगे? न्यूरोपैथिक पेन इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। इन डायबिटिक न्यूरोपैथी न्यूरोपैथिक पेन में हम इसको यूज करेंगे। और टोकेनाइड में हमको याद रखना है इसका मेन साइड इफेक्ट दैट इट कॉसेस ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। इट कॉसेस ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ओके। और क्लास वन थ्री में कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होंगे? सो हमको सिर्फ और सिर्फ क्लास वन थ्री के ड्रग्स के नाम ही याद रखने, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लास वन सी में खाली ड्रग्स के नाम ही याद रखने, दैट इज एनकेनाइड, फ्लैकेनाइड एंड प्रोपाफेनॉन। ओके, इसके सिर्फ नाम याद रखने। नाउ क्लास टू एंटीरिथमिक ड्रग दैट इज बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग आएंगे, ठीक है? तो बीटा ब्लॉकर्स में एक तो टू टाइप के होते हैं, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। सो हम अरिथमिया में कौन से ड्रग यूज करेंगे? तो वी यूज सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। हम कौन से यूज करेंगे? सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अब सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से, लाइक एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ओके, एस्मोलॉल एक्सेट्रा। अब एस्मोलॉल के कुछ स्पेशल पॉइंट, ठीक है, जो काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो पहले तो एस्मोलॉल कौन से रूट से दिया जाता है? थ्रू आईवी रूट। हम एस्मोलॉल को आईवी रूट से देंगे। इट इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग, सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, ठीक है? वी कैन रिमेम्बर बाय इट्स नेम लाइक एस्मोलॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल स्मॉल शॉर्ट एक्टिंग। वी कैन रिमेम्बर इट बाय इट्स नेम ओनली। हम इसके नाम से याद रख सकते हैं, ई एस मीन एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्टिंग। ओके, नाउ इट इज मेटाबोलाइज। क्यों ये शॉर्ट एक्टिंग होता है? बिकॉज इट इज मेटाबोलाइज बाय प्लाज्मा एस्टीरेज। ये प्लाज्मा एस्टीरेज जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है उससे मेटाबोलाइज होता है, इसकी वजह से शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है? इट इज यूज इन इंट्रा ऑपरेटिव टैकीकार्डिया। नाउ अब अरिथमिया हुआ तो हम बीटा ब्लॉकर मेनली किस अरिथमिया में यूज करेंगे? तो वी कैन यूज इन टैकीकार्डिया। अब हम इसको दो टैकीकार्डिया में यूज कर सकते हैं, आट्रियल टैकीकार्डिया एंड इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ओके, अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर से टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम उसके लिए कौन सा ड्रग देंगे? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सो फॉर द बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी वी गिव द ड्रग दैट इज ग्लूकागॉन। ओके, हम कौन सा ड्रग देंगे? ग्लूकागॉन। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट पे कुछ ग्लूकागॉन के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, तो जब भी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी होगी देन वी गिव ग्लूकागॉन, सो इट समवट स्टिमुलेट द हार्ट। ओके, नाउ वी स्टडी क्लास थ्री एंटीअरिथमिक ड्रग्स। ओके, क्लास थ्री एंटीअरिथमिक ड्रग्स को हम निमोनिक से याद कर सकते हैं, बिंदास। ओके, क्योंकि हमेशा बिंदास रहते हैं। नाउ बिंदास में बी फॉर ब्रेटिलियम, आई फॉर आईब्यूटिलाइट, एन फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं है, डी फॉर डॉफिटिलाइट, ए फॉर हम सबका फेवरेट ड्रग दैट इज एमियोडेरोन, जिसपे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थर्ड इज एंड एस फॉर सोतालोल। ये एक ही इकलौता ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो क्लास वन थ्री में आता है, ठीक
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी होती है दैट इट आल्सो ब्लॉक पोटेशियम चैनल, इसलिए इसको हमने क्लास थ्री में रखा है। अब ब्रेटिलियम क्या है? तो इट इज अ फार्माकोलॉजिकल डिफिब्रिलेटर। ये क्या है? इट इज अ फार्माकोलॉजिकल डिफिब्रिलेटर। एंड आईबिट्रोलाइट एंड डॉफिटेलाइट क्या कहाँ यूज होते हैं? तो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन एंड दे कन्वर्ट द आर्टेरियल फिब्रिलेशन इनटू द नॉर्मल साइनस रिदम। ये क्या करते हैं? ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन को नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एमोडेरोन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ सोतालोल, सोतालोल जिससे हम बताए कि सर बीटा ब्लॉकर, ओके, बट इट हैविंग एडिशनल पोटेशियम ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, सो इसको हम क्लास थ्री में इंक्लूड किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वी सोतालोल इज अ क्लास थ्री एंटीआरिथमिक ड्रग, बीटा ब्लॉकर समझ के कभी भी एग्जाम में क्लास टू में टिक करके मत आ जाना। ओके, अब हमारा सबका फेवरेट ड्रग जिसमें से बहुत एमसीक्यू पूछते दैट इज एम्योडेरोन। अब एम्योडेरोन की अच्छी खासियत है, बहुत अच्छी इसकी खासियत है कि ये सबको ब्लॉक कर देता है। मींस हमारे जितने भी एंटीरिथमिक ड्रग है उसकी मैंने जितनी भी मैकेनिज्म बताई वो सब ये करता है। कैसे? इट ब्लॉक सोडियम चैनल, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। सेकेंडली इट ब्लॉक्स बीटा रिसेप्टर्स, ओके, इट ऑल्सो ब्लॉक पोटेशियम चैनल, तो इसको थर्ड क्लास थ्री में रखा है। एंड इट ऑल्सो ब्लॉक कैल्शियम चैनल, इसके सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एम्योडेरोन के। ठीक है, एम्योडेरोन एक वरदान ड्रग है डॉक्टर्स के लिए। अब कोई डॉक्टर है जिसको ईसीजी पढ़ना नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ईसीजी कभी कभी लोचा हो जाता है, ठीक है, समझ नहीं आता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? दे गिविंग एम्योडेरोन टू पेशेंट। एम्योडेरोन के सारे मैकेनिज्म होते हैं, तो अगर उसको कोई भी अरिथमिया हुआ तो एम्योडेरोन उसको ट्रीट कर देगा। सो ये ड्रग एक वरदान हुआ डॉक्टर्स के लिए। सो नाउ एम्योडेरोन क्या? एम्योडेरोन इज अ लॉन्गेस्ट एक्टिंग एरिथमिक ड्रग, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग, ये सबसे लंबा काम करता है। इसकी हाफ लाइफ मोर देन थ्री वीक्स, सॉरी मोर देन थ्री वीक्स होती है। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? मोर देन थ्री वीक्स। इट इंक्रीजेस द क्यूटी इंटरवल। अब ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है तो ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस द क्यूटी इंटरवल, एंड क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज करेगा तो इट क्या कॉज करेगा? इट कॉजेस टीडीपी टॉर्सालिडी पॉइंटस अरिथमिया। ओके, अब हम साइड इफेक्ट्स देखेंगे एम्योडेरोन के। सो एम्योडेरोन के साइड इफेक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? सो हम इसको याद कर सकते हैं विद द निमोनिक दैट द पोटेंशियल ऑफ माई लंग्स लीवर एंड कॉर्निया इज फोटो सेंसिटिव, मीन्स इट कॉजेस थायराइड हार्मोन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, कैसे? एक एम्योडेरोन की जो टेबलेट होती है उसके अंदर 37% ऑफ आयोडीन होता है। कितना होता है? 37% ऑफ आयोडीन। मतलब अगर मान लो 200 ग्राम 200 mg की एम्योडेरोन की टेबलेट है उसके अंदर 75 mg तो सिर्फ आयोडीन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट कॉज होता है। नाउ पोटेंशियल मींस इट कॉजेस पी फॉर पोटेंशियल, इट पी फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इट कॉजेस पेरिफेरल न्यूरोपैथी। थर्ड इट कॉजेस मायोकार्डियल डैमेज, ओके, मायोकार्डियल को डैमेज करता है। इट कॉजेस लंग फाइब्रोसिस, व्हाट इट कॉजेस? इट कॉजेस लंग फाइब्रोसिस। इन लिवर इट कॉजेस हिपेटोटॉक्सिसिटी। इन कॉर्निया मींस इट डिपॉजिट्स ऑन कॉर्निया, and it is a photosensitive, so it causes blue man syndrome. ये क्या cause करेगी? It causes blue man syndrome because ये photosensitive drug होता है। अब मेरा आपसे question है, एक MCQ है, which drug causes red man syndrome? लाल आदमी syndrome, red man syndrome कौन सा drug cause करती है? So that drug name is vancomycin.
द ड्रग वैंकोमाइसिन कॉज रेडमैन सिंड्रोम, ये एडिशनल था। ओके अब ये जो एम्यूडेरोन है ये सारी टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है, जैसे थायराइड की इंक्रीज और डिक्रीज, इसकी वजह से क्या होता था हम सारे पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं दे पाते थे। सो इसके लिए हमने इसका एक भाई बनाया, दैट इज ड्रोनिडेरोन, हमने इसका भाई बनाया दैट इज ड्रोनिडेरोन। ये क्या करता है, इसका भाई बहुत अच्छा है, ये थायराइड की कोई हड़ी करता नहीं है, इसके अंदर कोई भी टाइप के थायराइड के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, ये थायराइड की कोई हड़ी करता नहीं है, लेकिन ये भाई थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है देन एम्योडेरोन, इज लेस इफेक्टिव देन एम्योडेरोन, ठीक है, ये थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, बट ये थायराइड की टॉक्सिसिटी में साइड इफेक्ट कॉज नहीं करता। ओके अब फोर्थ क्लास इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम फोर्थ क्लास में होती है, अब इसके अंदर हम कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करेंगे, हम डायहाइड्रोक्लोरीडीन यूज करेंगे, वेरापामिल यूज करेंगे, टिडिलटेस हम यूज करेंगे, अरिथमिया कहाँ होता है, हार्ट में होता है, सो हम ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे जो हार्ट में यूज होते हैं, दैट इज वेरापामिल एंड टिडिलटेस। ओके ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम यूज करेंगे। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम कौन से अरिथमिया में यूज करेंगे, तो इट इज यूज्ड इन एसवीटी सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इन आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास, हम इसको आर्टेरियल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास में यूज करेंगे। अब मेरा आप सबसे एक और क्वेश्चन कि मान लो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है वही यूज करेंगे, सो वी यूज कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके सो नाउ वी सी क्लास फिफ्थ एंटीरिथमिक ड्रग, दैट आर मिसेलेनियस एजेंट। ओके सो क्लास फिफ्थ ड्रग में हम उसको याद कर सकते हैं बाय वन निमोनिक, दैट इज एडम, ठीक है, अब एडम से उसको याद कर सकते हैं। अब A for atropine. Atropine is a drug of choice in bradycardia with AV node block. ठीक है? It is a drug of choice in bradycardia and AV nodal block. D for digoxin. It is used in atrial fibrillation with congestive heart failure. ठीक है? It adenosine. It is a shortest acting anti arrhythmic drug, ये सबसे short acting होता है, ठीक है। अब magnesium is used in long QT syndrome में हम magnesium का use करते हैं। अब adenosine सबसे shortest acting होता है, means इसकी half life कितनी होगी, 8 seconds, खाली 8 seconds। Okay, so that's why we given this in IV route, in हम इसके इंजेक्शन खा देंगे, so we giving jugular vein, ठीक है, jugular vein हार्ट के बहुत ही पास होती है, ठीक है, so हम इसको jugular vein में देंगे, अगर हम इसको कोई दूसरी vein में दे बॉडी की, so जब तक ये हार्ट में पहुंचेगा तब तक तो खत्म हो जाएगा, that's why we given in jugular vein because it is very near to heart, okay, and it is also drug of choice in paroxysmal supraventricular tachycardia. It is a drug of choice in paroxysmal supraventricular tachycardia. अब antiarrhythmic drugs जो दो drug है जो सबसे short acting होते हैं, एक तो adenosine जिसके half life होती है 8 seconds and second is esmolol की half life होती है 8 to 10 minutes. Okay, so ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटीरिथमिक ड्रग्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।